हेलो दोस्तों, वेलकम टू साधना टेरेस गार्डन। दोस्तों, अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए। आज हम ढोकला बनाना सीखेंगे। ढोकले में देखिए क्या क्या चीज़ का यूज होता है। ये हमने सोडा लिया है, ये छोटी स्पून, लेमन सॉल्ट लिया है आधा स्पून, आधा स्पून नमक लिया है, आधा स्पून हल्दी और मिर्च आधा स्पून, और थोड़ा सा कोकोनट। इसमें हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। ये गोला जो है हमारे किसके ऊपर की तरफ काम आएगा, और राई बाउल बाउल जो भी लें एक ही नाप का लें, और हाफ बाउल लेंगे हम रवा। और ये है हमारे पास राई, और इसके अलावा लेंगे हम करी पत्ता, हरी मिर्च, हरा धनिया। दोस्तों सबसे पहले हम ये जो सब चीज़ निकाली है गोला छोड़कर, हम सब चीज़ अपने जिस बॉक्स में बनाना चाहते हैं गोल उसमें डालेंगे। आपको इसमें इनो की ज़रूरत नहीं है, अगर इनो वाला बनाना चाहें तो आप हाफ पैकेट इनो डालते हैं, नहीं तो आप दही का भी बना सकते हैं, ये आपके चॉइस के ऊपर निर्भर है। दही वाले को हमें पहले से फेंट कर पूरा रेडी करके गोल को रखना पड़ता है। इसमें आपको गोल को रखने की ज़रूरत नहीं है, बस गर्म पानी का कढ़ाई या आप जिसमें बनाना चाहें भगोना में वो आप रेडी कर लें। ये हम गोल गाढ़ा बनाएंगे, इसको अच्छी तरह से इसका पेस्ट रेडी हो जाना चाहिए। बनकर रेडी है दोस्तों। इसमें थोड़ा सा हम शुगर भी डालेंगे दोस्तों, क्योंकि हल्का मिठास लिए हुए ढोकला अच्छा लगता है। नमक और शुगर दोनों चीज़ रहना चाहिए। ये मैं 1 स्पून शुगर डाल रही हूँ दोस्तों, और नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें, आपको कम लगे तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं दोस्तों। जब घोल तैयार हो जाए एक बार आप टेस्ट करके देखें कैसा बनाए, मिर्च भी आपके स्वाद के अनुसार होती है, और खट्टापन भी आप लेमन सॉल्ट का थोड़ा बढ़ा सकते हैं अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है। बस इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लें। ये पेस्ट हमारा लगभग रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रहना चाहिए आप देख लीजिए, जैसे हम केक का घोल रखते हैं। तो इसमें देखिए दाने दाने दिखें तभी अच्छा है दोस्तों, नहीं बनेंगे तो हमारा ये फूलेगा नहीं। हमने इधर पानी गर्म हो ढोकला कुकर में बनाएंगे दोस्तों। हमने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है, नीचे की तरफ एक स्टैंड लगा देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों हमने ये स्टैंड लिया है, इसमें नीचे लगा देंगे और ढककर थोड़ी देर बॉयल होने रखेंगे। इसमें हमको सीटी और रबड़ लगाने की जरूरत नहीं है। उसमें हम पहले 1 चम्मच ऑयल डालकर चारों तरफ से चिकना कर लेंगे। इसको ग्रीस करने के बाद हम डालेंगे तो हमारा ढोकला चिपकेगा। इसको खमर ढोकला कहते हैं, ये गुजराती आइटम है दोस्तों। ये घर में ही आप आराम से बहुत टेस्ट के साथ बना सकते हैं। इसके साथ हरी मिर्च, हरी चटनी गोले की, या आपको सॉस के साथ भी खा सकते हैं, ये अपने अपने टेस्ट की बात है। गोले की चटनी हो, टमाटर की चटनी हो, नहीं तो बहुत से जने ऐसे ही प्लेन खाना पसंद करते हैं, या तिरंगा ढोकला बनाकर बीच बीच में कटिंग करके एक में ग्रीन चटनी और बीच में लाल चटनी या सॉस लगा के खाना पसंद करते हैं। ये सब टेस्ट आपके ऊपर निर्भर करता है। आप इसके बबल्स देख पा रहे होंगे दोस्तों, देखें ये बबल्स उठना जरूरी है दोस्तों। लास्ट टाइम में ये जरूर चेक कर लें, अच्छा बबल्स बनेंगे उतना ही अच्छा हमारा ढोकला बनेगा। और हम अब ऑयल लगे हुए दूसरे बर्तन में डाल देंगे। हमारा पानी भी अच्छा बॉयल हो चुका है,
और 15 मिनट के लिए हम इसको बॉईल करने रख देंगे। देखिए हमारे ये गोल बनके तैयार है। हमने स्टैंड पहले से ही लगा लिया था, बस इसको कुकर में रखने जा रहे हैं। इसको हमने इसको कुकर में रख दिया है और ऊपर से बस इसको ढक देंगे। ये बहुत आसान तरीका है जो मैंने आज बताया दोस्तों। 5 मिनट में आपका ढोकला पूरा, हमने मेजरमेंट टाइम लिया है 5 मिनट और अभी ये 7-8 मिनट में रेडी हो जाएगा। एक बार हम खोल के देख लेंगे और 15 मिनट भी लग सकते हैं दोस्तों। बस थोड़ा सिम गैस पर इसको पकेंगे। ये दोस्तों हमारा ये ढोकला तैयार है। इसमें हम ये चाकू या फोक डालकर देखेंगे कि इसमें कोई गीलापन चिपका हुआ तो नहीं आ रहा। दोस्तों बिल्कुल भी ऐसा चिपका हुआ नहीं है और पका हुआ आराम से दिख रहा है, आप आराम से देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए कितना स्पॉन्जी और कितना अच्छा ढोकला बना है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं इसकी जाली जाली पूरी में आ रही है। फर्स्ट क्लास ढोकला बन के रेडी हुआ है। हमने पेस्ट भी बहुत थोड़ा सा लिया था दोस्तों। देखिए दोस्तों हमने राई को ऑयल में बघार लिया है, आप देख पा रहे हैं। इसमें से हम ये थोड़ी ऐसे चारों तरफ डाल दें। इसके ऊपर ये हमने गोला घिस लिया है, गोला इसके चारों तरफ डाल दें। इसकी ड्रेसिंग फर्स्ट क्लास लगती है दोस्तों। और सब चीज़ डालकर ढोकले को खाएं। अगर आपको स्पॉन्ज मीठा वाला पसंद है दोस्तों तो हम इसमें थोड़ा सा राई डालकर और उसमें 2 चम्मच चीनी डालकर उसका रस बनाएंगे दोस्तों। अभी हम वो भी इसका बनाकर बताते हैं दोस्तों। ये देखिए कितना अच्छा ड्रेसिंग हुई है दोस्तों। तो ये मीठा ढोकला बनाने का है। नीचे हमने राई में जो बघार लगाया था, गोला हरी मिर्च हरा धनिया महीन कटिंग करके गोले को घिस के और 2 चम्मच चीनी डाल के हम इसको बॉईल करेंगे। आप इसमें हल्का नींबू डालना चाहें तो नींबू भी डाल सकते हैं, पर हमने ऑलरेडी उसमें लेमन सॉल्ट डाला है तो आपको डालने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बस ये अच्छे से बॉईल हो जाए उसके बाद हम ढोकले के ऊपर डाल देंगे। ये मीठा ढोकला बनाने का तरीका है। पहले ही ऑलरेडी हमने इसमें 1 स्पून मीठा डाले थे, पर ये डालने से और भी टेस्टी लगने लगे थे। ये बॉईल हो गया है। इसका ये पूरा रस हम ढोकले के ऊपर डाल देंगे। ये मीठा ढोकला भी बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों, रसीला कहते हैं इसको, मीठा रसीला। 1 चम्मच ऑयल लेके इसमें थोड़ी सी राई डालेंगे। राई डालकर भुनने देंगे। और इसमें हम मिर्च डाल देंगे जब भून जाएगा। इसमें आप चाहें तो कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, या आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। और ढोकले के ऊपर भी आप राई चौंक में डाल सकते हैं। ये देखिए हमने राई फ्राई कर ली है, डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसको हल्का
हल्का सा पानी डाल के ढक देंगे। इसको स्लो गैस में 2 मिनट के लिए ढककर पकाएं। ये मिर्च हमारी पक चुकी है लगभग 2 मिनट में। अब हम इसको उतार कर इसमें जो पानी अगर बचा है तो हम उसको भी ढोकला के ऊपर डाल देंगे। ढोकले और भी टेस्टी लगेंगे। और ये जो मिर्च हमने निकाली है इसमें आप आधा नींबू निचोड़ दें छोटा। देखिए दोस्तों, और बहुत ही टेस्टी लगने वाली ये मिर्चें आप ढोकले के साथ खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों। बस आप इस मिर्च को ढोकले के साथ खाइए, टेस्टी टेस्टी ढोकला और मिर्च के साथ मज़ा आएगा। इसमें चटनी सौंठ की ज़रूरत नहीं है। बस आपने ये बना लिया है तो आप अपने घर पर बनाइए दोस्तों, और अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को खिलाइए। बहुत ही टेस्टी लगने वाली आइटम जो आपको जी मिल जाएगा दोस्तों, आप ज़रूर बनाएं और मेरे को इसकी फ़ोटो अपलोड करें, मेरे को कमेंट करें दोस्तों कि कैसा बना आपका ढोकला। क्या टेस्टी दोस्तों, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज दोस्तों। देखिए अब क्या कहेंगे आप दोस्तों, अब बनाएंगे कि नहीं बोलिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, कीप माय वॉचिंग। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।